नगर निगम द्वारा दो वार्ड में 27 मार्च से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गोरखपुर शहर में 70 वार्ड था, जो कि अब बढ़कर 80 वार्ड हो गया है। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एक महत्वपूर्ण घटक हुआ है। शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दो वार्ड राप्ती नगर और विकास नगर में सर्वे करा लिया है। दोनों वार्ड में 5500 मकान हैं, उन सबका डेटाबेस ले लिया गया है। उस वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा, जिसके लिए वहां के लोगों के साथ बैठक की जा चुकी है और लोगों को जागरूक किया जाएगा, जो कि 27 मार्च से कूड़ा उठाने का कार्य करेंगे। जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गोरखपुर शहर में 70 वार्ड था, जो कि अब बढ़कर 80 वार्ड हो गया है। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दो वार्ड राप्ती नगर और विकास नगर में सर्वे करा लिया है। दोनों वार्ड में 5500 मकान हैं, उन सबका डेटाबेस ले लिया गया है। उस वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा, जिसके लिए वहां के लोगों के साथ बैठक की जा चुकी है और लोगों को जागरूक किया जाएगा, जो कि 27 मार्च से कूड़ा उठाने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, यहाँ पे ले लिया है, एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम हमने यहाँ बनाया है, ताकि कोई भी शिकायत उस वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन के संबंध में है तो तुरंत 24 घंटे यहाँ पे आप बता सकते हैं किस रूट से डोर टू डोर कलेक्शन उठाया जाएगा, कितने वाहन लगेंगे, कितने ड्राइवर होंगे, कौन कौन कलेक्ट करेगा, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे साझा की हैं। और IEC गतिविधियाँ हम कर रहे हैं वहाँ के नागरिकों के साथ, वहाँ के सभी वृद्धजन, सभी सीनियर सिटीजन्स, सभी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं और शहर का जो कूड़ा है उसको निपटान कराने में मदद करें। तो सबसे पहले दो वार्ड हमने चयनित किए हैं, पूरा ग्राउंड वर्क हो चुका है और अब हम बैठकें कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अभी ये पायलट बेसिस पे दो वार्ड हैं, इसमें अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो आगे भी पूरे शहर में डोर टू डोर कलेक्शन हम 100% कर पाएंगे। तो राप्ती नगर, विकास नगर में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, 27 मार्च से इसको हम लॉन्च करेंगे।